दोस्तों एनडीए 2 के एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट किए जा चुके हैं। अगर आप ट्वेल्थ अपेयरिंग में चल रहे हैं इस साल, यानी कि आपकी ट्वेल्थ चल रही है या फिर आप ट्वेल्थ कंप्लीट कर चुके हैं और आप मेल या फीमेल कैंडिडेट कोई भी हैं, अगर आपकी उम्र 2 जनवरी 2004 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में आती है तो आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको फिल करना है स्टेप बाय स्टेप एनडीए 2 के एप्लीकेशन फॉर्म को, ताकि आप जब भी इसका फॉर्म फिल करें तो आपसे इसके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक ना हो जाए। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म से रिलेटेड जानकारी अपने मोबाइल पर चाहते हैं तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। साथ में मेरे ब्लॉगिंग चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप एनडीए 2 के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो मैंने कुछ बुक्स की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। आप चाहें तो उन बुक्स को बाय कर सकते हैं या फिर उनमें से किसी भी बुक को बाय कर सकते हैं अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं। तो ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए फटाफट से आ जाते कंप्यूटर की स्क्रीन पर और भरते इसके फॉर्म को। जैसे कि आपको यहां पर नजर आ रहा है, मैंने यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है जहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। लिंक आपको इसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चाहे तो आप इसको लिए मेरी वेबसाइट www.formjankari.com को विजिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दो फॉर्म चल रहे हैं, CDS 2 के फॉर्म चल रहे हैं और NDA 2 के फॉर्म चल रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं NDA 2 के फॉर्म को फिल करने की प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पर पार्ट 1 के लिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिख कर आएंगे, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। वैसे मैं डिटेल में बताता रहूंगा, बीच बीच में कवर करके यस कर देते हैं इसे। अब डिटेल्स को आगे फिल करने से पहले आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना है। जैसे कि आप जितनी भी डिटेल्स को यहाँ पर फिल करेंगे सभी आपको अपनी 10th की मार्कशीट से फिल करनी है और कैपिटल लेटर्स में फिल करनी है। यहाँ पर वैसे इसमें कुछ दे नहीं रखा कि कैपिटल लेटर में फिल करना है, स्मॉल में फिल करना है, लेकिन कैपिटल लेटर में फिल करें तो ज़्यादा अच्छा है। सभी 10th की मार्कशीट से फिल करनी है आपको। और जो आगे आप अपना आईडी प्रूफ लगाएंगे, जैसे कि आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह लगाएंगे, जिसका भी नंबर आप डालेंगे उसको आपको स्कैन करके भी अपलोड करना पड़ेगा। तो आपको ये देख लेना है आपके जो आपने आईडी प्रूफ लगाया, आइडेंटिटी प्रूफ लगाया, उसकी डिटेल्स और आपकी मार्कशीट की डिटेल्स बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए, मतलब मिसमैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। नाम वगैरह जो भी आप फिल करते हैं उसमें मिस्टर या मिस वगैरह कुछ नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट अपनी डिटेल्स को फिल करना है। यहाँ पर सबसे पहले वाले कॉलम में मैंने यहाँ पर अपना नाम फिल कर दिया है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है जेंडर आपका मेल है या फिर फीमेल है। नीचे इसकी डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर ईयर वगैरह आपका ऑप्शन आ रहा होगा, इसी ईयर के बीच में आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करनी है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया है। इसके बाद इस वाले कॉलम में आपके पिताजी का नाम आएगा, पूरा नाम आपको 10th की मार्कशीट से फिल करना है, जो कि 10th की मार्कशीट में लिखा हो। नीचे माताजी का नाम आ जाएगा। फिर नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, मैरिड है या फिर अनमैरिड है, एक ही ऑप्शन आ रहा है इसमें। इसके नीचे कम्युनिटी आपको सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC जनरल जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ SC कैटेगरी से, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन और भी खुल जाएंगे। जनरल कैटेगरी से ऑप्शन नहीं खुलते हैं, आप यहाँ पर देखें कोई भी ऑप्शन नहीं आए हैं। लेकिन अगर आप SC ST या फिर OBC कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर भी डालना पड़ेगा। इसके बाद आपने किससे बनवाया, जैसे कि SDM या फिर तहसीलदार वगैरह जिससे भी बनवाया हो, तो यहाँ पर उसकी पोस्ट का नाम आएगा। जैसे कि अगर SDM ने बनाया है तो यहाँ पर SDM में लिख देता हूँ। नीचे आपको सर्टिफिकेट के नीचे लिखा मिल जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट किसने जारी किया है, मतलब किस अधिकारी ने जारी किया है। तो SDM या फिर तहसीलदार वगैरह जिसने भी जारी किया उसका आपको यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखना है। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करनी है, आपके जाति प्रमाण पत्र में डेट क्या लिखी है, कितनी तारीख को जारी किया गया है वो। माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं या नहीं आते हैं आपको यहाँ पर देखना है अपने हिसाब से। अब यहाँ पर बारी आती है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने की। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको सामने नजर आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन तो है कि आप 12th कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट नहीं था, मतलब ये तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं था, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप 12th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट थे तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप 12th क्लास अपेयरिंग में चल रहे हैं और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इन तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं है तो आपको तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और चौथे ऑप्शन में अगर आप अपेयरिंग में चल रहे हैं और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, मतलब तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर होने चाहिए, अगर आपके पास एक सब्जेक्ट भी नहीं है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर लेंगे नॉट हैविंग वाला, मतलब मेरे पास ये वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, अगर आपके पास तीनों हैं तो ये आप यहाँ पर लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं 12th क्लास कंप्लीट कर चुका हूँ, साथ में मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। इसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस फिल करना है, ये वाले दोनों लाइन है कंपलसरी है, इसमें आपको रेड स्टार नजर आएगा, तो आधा एड्रेस को यहाँ पर मैंने फिल कर दिया, आधे एड्रेस को यहाँ पर फिल कर दिया है। इसके बाद अगर एड्रेस ज्यादा बड़ा हो रहा है तो आप तीसरे लाइन का भी यूज कर सकते हैं। स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, पिन कोड डाल देना है आपके शहर का या फिर गांव का जहाँ से भी आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं। इसके बाद नीचे मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी, आपकी ईमेल आईडी को दोबारा से डाल के यहाँ पर कन्फर्म करना पड़ेगा जो ईमेल आईडी आपने ऊपर डाली है। अल्टरनेट ईमेल आईडी अगर आपके पास कोई है तो आप इसमें भर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ दें। डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लें क्योंकि आगे एक बार सबमिट होने के बाद आपको चेक करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इसको कंटिन्यू कर दें। अब इसमें
सेलेक्ट करना है आपको अपना आईडी प्रूफ, तो जो भी आपके पास आईडी प्रूफ है, स्कूल आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो आईडी इशूज सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर वोटर कार्ड, तो आपके पास कोई भी आईडी प्रूफ आपका हो तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे आधार कार्ड सभी के पास होता है तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आधार कार्ड का आपको नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। अब इस वाले कॉलम में आपको अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है एनडीए और एनए के लिए, तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको नजर आएंगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, नेवल एकेडमी। अगर आप गर्ल कैंडिडेट हैं तो आपको नेवल एकेडमी में 0 ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप बॉय कैंडिडेट हैं तो आप चारों ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, गर्ल कैंडिडेट सिर्फ यहाँ पर 3 ऑप्शन का यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर चारों में से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप बॉय कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको चारों में से सेलेक्ट करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, कौन सा आपको ऑप्शन पहले नंबर पर रखना है, कौन सा दूसरे नंबर पर रखना है, कौन सा तीसरे नंबर पर रखना है। और अगर आपके पास यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं है तो भी एक आधा ऑप्शन आपके लिए नहीं खुलेंगे, तो यहाँ पर एरर मैसेज आता रहेगा आपके सामने कि आप ये वाला ऑप्शन पे 0 सेलेक्ट करेंगे या फिर इस वाले ऑप्शन में आपको ये सेलेक्ट करना है, ये वाले ऑप्शन में आपको ये सेलेक्ट करना है, तो उसी हिसाब से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक एक करके चारों ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिएगा, चाहे आप आर्मी को पहले नंबर पर रख सकते हैं, दूसरे नंबर पर रख सकते हैं, तीसरे नंबर पर रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आपके पास पायलट का लाइसेंस है? अगर है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, वैसे नहीं होगा तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर के लिए आपको यस करना है या फिर नो करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। क्या आप स्टूडेंट हैं सैनिक स्कूल के या फिर मिलिट्री स्कूल के? तो आपको यहाँ पर यस नो सेलेक्ट करना है, मैं नहीं हूँ, मैं नो कर देता हूँ। क्या आपके पिताजी JCO या फिर NCO या फिर कोई दूसरी ऑफिसर रैंक पे थे और साथ में आप सैनिक या मिलिट्री स्कूल में पढ़े हैं? तो ये आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो कर दें, यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं। इसके बाद अब सभी डिटेल्स आपकी फिल होकर आ गई हैं, अच्छी से डिटेल को चेक कर लें। अगर कुछ अपडेट वगैरह करना है तो नीचे आपको डेट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। अगर आपको कुछ अपडेट नहीं करना है तो ये कैप्चा जो यहाँ पर लिखकर आ रहा है इसको इस बॉक्स में डालना है, आपको कैपिटल स्मॉल जैसा लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको डालना है। और जब भी आप इसमें कैप्चा फिल करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर गलत कैप्चा डाल दिया, अब आप इसमें देखेंगे बैक करके तो यहाँ पर बैक नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, पूरे कैप्चा को सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर दोबारा से टाइप करना है, बैक नहीं हुआ यहाँ पर, दोबारा से टाइप करना, डायरेक्ट शुरू कर दें और आई एग्री कर दें, ओके कर देते हैं इसे। हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर जनरेट हो चुका है, इसको कॉपी कर लें, आपके मोबाइल नंबर पे भी मैसेज आएगा इसका। अब इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पर क्लिक हियर टू पार्ट टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है जो कि अभी जनरेट होकर आया था, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। अब क्योंकि मैंने फॉर्म SC कैटेगरी से फिल किया था तो यहाँ पर फीस पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया, यहाँ पर डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने का ऑप्शन आ गया। अगर आप जनरल या फिर EWS या फिर OBC कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपके सामने फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आप ऑनलाइन पेमेंट कटवाना चाहते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट कटवाना चाहते हैं। दो ऑप्शन आपके सामने नजर आएंगे, तो आपके पास जो भी हो, आप ऑनलाइन कटवाना चाहते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का यूज करना चाहते हैं, तो आप उसी हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको अपने कार्ड की डिटेल डालनी पड़ेगी, आपके नंबर पर OTP आएगी, आप यहाँ पर अपने पेटीएम वगैरह से भी पेमेंट कटवा सकते हैं, उसका डेबिट कार्ड का नंबर आपको डालना पड़ेगा जो कि मोबाइल में आता है, और आपके नंबर पर OTP आएगी। OTP डालने के बाद आप वापस से रिडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट करने के बाद इसी वाले पेज पर, और बाय चांस यहाँ पर आपकी फीस फेल्ड वगैरह हो जाती है तो वहाँ पर वेरिफिकेशन करने के लिए ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ऑटोमेटिक फीस वेरीफाई कर लेता है यहाँ पर, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, नीचे सिग्नेचर अपलोड करने हैं और उसके नीचे आपको आईडी प्रूफ अपलोड करना है, तो फटाफट से इन्हें भी अपलोड कर लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आना, मैंने फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट तीनों फाइल को अपलोड कर लिया है। अब आपको मन में ये चल रहा होगा, भैया आपने तो बताया नहीं यहाँ पर कैसे आपको इसका साइज वगैरह सेट करना है, क्योंकि मुझे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में आ रही है, तो अब मैं कैसे अपलोड करूँगा। तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दी है ताकि ये वाली वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। साथ में आपको जब ये वीडियो खत्म हुई है तो उसके आखिरी में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको इसमें ऐसी कोई समस्या आ रही है, तो वैसे तो आ रही होगी मुझे पता है। तो फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दें। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर या फिर जो भी आईडी प्रूफ आपने आगे सेलेक्ट किया था उसका नंबर यहाँ पर फिर से डालना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए। यहाँ पर लिखकर आ जाएगा फोटो आइडेंटिटी प्रूफ नंबर वेरीफाइड, तो ये वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद नीचे एग्जामिनेशन सेंटर आपको सेलेक्ट करना है, जहाँ पर भी आपको सेंटर रखना है। इसके लिए मैं ग्वालियर कर देता हूँ। डिक्लेरेशन आप डिटेल्स तो देख सकते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर आई एव रीड डिक्लेरेशन पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर आपके सामने प्रिंट आउट निकालने का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है आपको। रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर जो कि आपका जनरेट हुआ था उसको डालना है, नीचे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है और कैप्चा डाल देना है, कैपिटल स्मॉल जैसा भी लिखा हो वैसे ही आपको डालना है। यहाँ पर डिटेल्स सभी लिख कर आ जाएंगी आपके सामने यहाँ पर। अब आप कुछ करेक्शन तो कर नहीं सकते, बस आपको प्रिंट आउट निकालनी है, नीचे आपको प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब चाहे तो आप PDF में डॉक्यूमेंट को सेव करके रख सकते हैं, अगर आपको प्रिंट आउट निकालनी है तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।
मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। तो भैया इस तरीके से आपको इसके फॉर्म को फिल करना था। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, चाहे जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसमें मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा आपके कमेंट और मैसेज का रिप्लाई करने की। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसमें फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने डिटेल में बता रखा है किस तरीके से आपको इसमें फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इसका साइज वगैरह सेट करके। और हाँ दोस्तों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। बुक्स वगैरह की भी लिंक आपको मिल जाएगी, साथ में मेरे दूसरे चैनल्स की लिंक आपको मिल जाएगी।